अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार चने की दाल का हलवा। इसके लिए मैंने एक किलो चने की दाल जो है वो 4 से 5 घंटे भिगो ली है। चने की दाल मैंने देखें 1 किलो भिगो ली है और इसको मैं थोड़ा सा पानी डाल के बॉयल कर लूँगी। चने की दाल को बॉयल करने के बाद हम इसको पीस लेंगे। किसी भी तरह पीस सकते हैं, चॉपर में, सिल्पर या हैंड ग्राइंडर में। मैंने इसको हैंड ग्राइंडर में पीस लिया था। ये आप देख सकते हैं मैंने चने की दाल पीस ली है। 1 किलो चने की दाल चाहिए हमें पीसी हुई। इसके अलावा मैंने 750 ग्राम शक्कर ले ली है और 400 ग्राम का पूरा पैक ले लिया है देसी घी का। कुछ मैंने जो है वो साबुत नारियल था जिसको मैंने पानी में भिगो के और ये इस तरह लंबा लंबा काट लिया है बारीक बारीक। इसके अलावा मैंने बादाम और पिस्ते पानी में भिगो के इनके छिलके उतार के इनको काट लिया है मैंने 1 से 1.5 चम्मच। इसके अलावा मेरे पास जो छोटी इलायची है मैंने उसको मोटा मोटा कूट लिया है। 1 कप मैं सूखा दूध लूँगी, ड्राई मिल्क पाउडर। अब हम एक पॉट लेंगे जिसमें हमें हलवा बनाना है। घी को मैंने थोड़ा सा मेल्ट कर लिया था क्योंकि डब्बे में पूरा घी जमा हुआ था, तो थोड़ा थोड़ा करके मैंने इसको मेल्ट करके इस तरह पूरा निकाल लिया है। ये 400 ग्राम हमारे पास देसी घी था जिसको मैंने मेल्ट करके इसके बाद मैंने इसमें जो है वो मैं हमारी जो चने की दाल पिसी हुई थी वो मैंने सारी शामिल कर देंगे। अब हम घी में चने की दाल को जो है वो अच्छी तरह से भूनेंगे। तमाम चने की दाल जितनी भी मैंने बॉयल की थी वो सब इसमें शामिल कर दी है और घी में हम इसको तकरीबन हाई फ्लेम पर इसको हम भूनेंगे। और हमें इसमें मुस्तकिल देखें चमचा चला रही हूँ, इसको भून रही हूँ। इसको जब तक भूनना है जब तक इसमें से खुशबू नहीं आने लगे और हमें लगे कि हमारी चने की दाल जो है वो अच्छी तरह से भून चुकी है। इसको हम तकरीबन जो है जब तक भूनते रहेंगे जब तक इसमें खुशबू नहीं लगी। मैंने इसको तकरीबन 10 मिनट तक मुस्तकिल इसमें चमचा चलाया है और इसको मैं मुस्तकिल भून रही हूँ। इसको हमें मुस्तकिल चमचा चलाते रहना है ताकि हमारी चने की दाल नीचे लग ना जाए। हलवे में सारा काम जो है इसकी भुनाई का ही है। चने की दाल जो का जो हलवा बनता है इसमें सारा काम भुनाई का है। जब हमें लगे कि हमारी चने की दाल भुन चुकी है, खुशबू आ रही है, तो अब हम इसमें शक्कर शामिल कर देंगे। मैं इसमें जो है मैं हाफ ऑफ करके शक्कर डाल रही हूँ। पहले मैंने हाफ शक्कर डाली थी और उसको मिक्स कर रही हूँ, फिर मैंने इसमें मज़ीद शक्कर डाल के इसको अच्छी तरह चलाऊँगी। शक्कर डालने के बाद हमें इसको मुस्तकिल चमचा चलाना है क्योंकि इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो बिल्कुल ही जो है ना वो लिक्विड में आ जाएगी। शक्कर अपना पानी छोड़ेगी तो चने की दाल भी जो है वो पतली हो जाएगी और हम मुस्तकिल इसमें चमचा चलाते रहेंगे। बहुत एहतियात के साथ हम इसमें चमचा चलाएंगे क्योंकि देखें ये इसमें से छींटे आ रही थी जो छींटे मुस्तकिल गर्म गर्म छींटे हट कर सकती हैं। मैं अपनी तरफ से देखें इसको कवर करके कैप से अब देखें कवर करके अपनी तरफ से फिर नीचे से चमचा चला रही हूँ इसको इस तरह से ताकि इसकी छींटे जो है मेरे चेहरे पर ना आए। तकरीबन 5 से 10 मिनट मैंने इसे मुस्तकिल चमचा चलाया है। इसके बाद मैंने जो मैंने नारियल काटे थे वो नारियल मैं इसमें शामिल कर दूँगी और जो बादाम पिस्ते मैंने काटे थे वो भी हम इसमें शामिल कर देंगे। आधे हम इसमें शामिल कर देंगे और आधे हम गार्निशिंग के लिए उठा के रख लेंगे। बादाम और नारियल मैंने इसमें शामिल कर दिया है और इसके बाद मैं इसमें आप मुस्तकिल चमचा चलाती रहूँगी। थोड़ी देर बाद मैंने इसमें जो सूखा दूध था जो मैंने लिया था, ड्राई मिल्क पाउडर वो 1 कप वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी। वो डाल के मैं इसमें चमचा चलाऊँगी। ड्राई मिल्क पाउडर डालने से जो है वो हलवे का कलर भी बहुत अच्छा आता है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाता है। कलर इसका डार्क नहीं रहता हलवे का और जो है इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाता है हलवे का। अब देखिए मैं मुस्तकिल चमचा चला रही हूँ इसमें। अब हम मुस्तकिल इसमें चला रहे हैं चमचा और अब इसमें हम मैं छोटी इलायची जो मैंने मोटी मोटी कूटी थी वो मैंने 1 से 1.5 चम्मच इसमें शामिल कर दिए। अब मैं मुस्तकिल इसमें इसको भूनती रहूँगी हलवे को जब तक कि कढ़ाई ना छोड़ दे। ये देखिए मैं मुस्तकिल इसको भून रही थी। मैंने इस हलवे को तकरीबन 35 से 40 मिनट तक मुस्तकिल पकाया है, यानी कि शुरू से लेकर पूरा जो ड्यूरेशन है हलवे का वो 35 से 40 मिनट इसको पकाया है। अब देखें इसने कढ़ाई छोड़ना शुरू कर दी है। अब ये इस कंसिस्टेंसी में है कि ये इसको हम जमा सकते हैं। चने की दाल का हलवा अब तैयार है। आइए हम इसको अब इस किसी थाल में या किसी भी इसमें पैन में जमाते हैं। इसके लिए मैंने एक बड़ी थाल ले ली है स्टील की और उसमें मैंने घी से इसको जो है ग्रीस कर लिया है, मैंने घी लगा लिया अच्छी तरह से थाल पर। तो अब हम इसका चने की दाल का हलवा इसमें डाल देंगे थाल के अंदर और अच्छी तरह से इसको फैला देंगे और फिर किसी भी स्पैचुला से इसको इवन कर देंगे। ये देखिए मैंने स्पैचुला से रबर स्पैचुला से इसको इवन कर दिया है पूरा अच्छी तरह से और ऊपर से मैं इसमें गार्निशिंग के लिए बादाम और पिस्ता डाल दूंगी। बादाम और पिस्ता से मैं इसकी गार्निशिंग करूंगी। अच्छी तरह से मैंने बादाम और पिस्ता इसमें डालने के बाद रबर स्पैचुला से मैं इसको दबा दबा के इस तरह से दबा दूंगी ताकि ये अच्छी तरह से इससे मिक्स हो जाए। ऊपर से स्पैचुला से मैं इसको दबा दबा के बादाम और पिस्ता को इस तरह कर दूंगी। इसके बाद
मैं इसके पोर्शन करूँगी। आप किसी भी शेप में इसमें पोर्शन कर सकते हैं। मैंने इसके डायमंड शेप में पोर्शंस किए थे, ये देखिए मैं डायमंड शेप में इसको काट रही हूँ। अभी चने की दाल का हलवा गर्म था, मैंने इसीलिए इसके पोर्शंस कर दिए हैं ताकि ये जब जम जाए तो हम इजीली इसके पीसेस निकाल सकें। अब हम इसको 4 से 5 घंटे अलग इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे। तो व्यूअर्स, 4 से 5 घंटे हो चुके थे, हमारा चने की दाल का हलवा अच्छी तरह जम चुका था। अब हम इसके पीसेस निकाल के आपको दिखाते हैं। बहुत ही मज़ेदार चने की दाल का हलवा बना है, ये देखिए बहुत ही मज़ेदार चने की दाल का हलवा बना है। आप इसे बनाइए अपने घर वालों के लिए, इंजॉय कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी इसी तरह की मज़ेदार डिशेज़ के साथ। जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।